मैं अपनी ससी बहन से कहूंगा कि मार्च दिवस में कुछ चीजें अपनी जरूर शेयर करिए, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अपने जीवन में हमें इस ज्ञान को और लौकिक मार्च दिवस के और इस ज्ञान को कैसे अलग करेंगे। ससी बहन, ओम शांति। ओम शांति। अभी मातृ दिवस की चर्चा चल रही है, आज मातृ दिवस है, तो अभी बैठे बैठे मुझे एक श्लोक याद आया। श्लोक की लाइन याद आई, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी। माता और भूमि, स्वर्ग जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर। तो अभी जो बात कर रहे थे ना कि हमारी कितनी माँ है, पालना करने वाली माँ, तो सबसे पहले मैं शिव माँ, जो सबसे बड़ी माँ है, वो हमें पालना कर रही है, उसको आज के दिवस पर हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दूसरी माँ हमारी ब्रह्मा माँ है, उसको भी हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और तीसरी मम्मा, जो आज शक्ति रूप में पूजी जा रही है, जगदम्बा। और चौथी माँ हमारी ज्ञान देने वाली जो माँ होती, वो दो माँ हो सकती हैं, एक ज्ञान देने वाली और एक पालना करने वाली, दो माँ, अलौकिक माँ, वो भी माँ है। और पांचवी माँ हमारी है लौकिक माँ, जन्म देने वाली लौकिक माँ। और धरती माँ, जो हम धरती के साथ कितना भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा कितनी अच्छी तरह से पालना कर रही, उसको भी हम वंदन अभिनंदन करते हैं। और ड्रामा, वो भी माँ है, वो भी हमारी पालना करता है, कैसे जानते हैं ना, परिस्थिति आती है, बातों की, बीमारी की, हर तरीके की जो परिस्थिति आती है, वो क्या है, ड्रामा। ड्रामा को भी साक्षी होकर देखना है। तो हमारी कितनी माँ है। और सर्वप्रथम तो हम देखते हैं, पढ़ते थे तो मदालसा माँ की जो स्टोरी सुनते थे, कितनी रोचक थी। उसमें क्या दिखाया, बच्चा जब रोता है, उनके जो तीन बच्चे दिखाए, तो उसको दूध की बॉटल नहीं दी, खिलौना नहीं दिया, क्या दिया, ज्ञान की लोरी दी। बुद्धोस शुद्धोस, शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, संसार माया से विरक्त होने का ज्ञान दिया। तो तीनों बच्चे क्या बन गए, सन्यासी बन गए। चौथा जो बना भी राजा, क्योंकि राजा को भी चिंता हुई कि ये राजपाट कौन संभालेगा, वो राजा बना, लेकिन फिर लास्ट में वो भी उस कितना दानी बना, क्योंकि माँ के संस्कार थे कि एक नेत्रहीन को अपनी आंखें दे दी थी, शायद सुना होगा, सभी ने स्टोरी पढ़ी होगी। तो ऐसी माँ मदालसा थी। और हम सब ये जानते हैं कि जो भी महापुरुष है, उनको आगे बनाने में हाथ किसका है, माँ का। सभी ने सुना है अभिमन्यु को जो दिखाया, चक्रव्यूह में घुस तो गए लेकिन निकल नहीं पाए, क्यों, क्योंकि माँ सो गई। छत्रपति शिवाजी की भी कहानी जब हम सुनते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने वाली कौन है, जीजाबाई। और जो साधारण नरेंद्र थे, स्वामी विवेकानंद बने, लेकिन उनको भी माँ का ही हाथ था, क्योंकि बचपन उनके जो तो ऐसे लोग थे, तो एक बार उन्होंने अपनी माँ को कुछ गलत शब्द बोला था, लेकिन माँ ने डांटा नहीं, माँ ने मारा नहीं, बल्कि कैसे सीख दी, उनके कमरे में जाकर एक लाइन लिखी कि आज नरेंद्र ने अपनी मां के लिए ये शब्द बोला है,
फिर नरेंद्र ने माफी मांगी माँ से, और तब से लेकर उन्होंने कभी ऐसी कोई गलती नहीं की। आज हम सबको मातृ दिवस तो मना रहे, लेकिन वास्तव में हमारे अंदर, क्योंकि माँ का ज्यादा से ज्यादा बच्चे का साथ रहता है, माँ ही बच्चे को, जो बताया गया 5 वर्ष तक बच्चे का जो माइंड विकसित होता है वो माँ के साथ ही बच्चा रहता है। इसलिए पहले जो प्रथा थी, 5 साल, जब बच्चा 5 साल का हो जाता था तब स्कूल भेजते थे, तो माँ का साथ ज्यादा होता है, माँ ही संस्कार डालती है। तो अभी माताओं को कैसे संस्कार डालने, पहले जो बुजुर्ग लोग होते, पहले माताएं क्या सिखाती थी, बच्चा जब गर्भ में होता था, गर्भ से ही संस्कार पढ़ते हैं, गर्भ में जब बच्चा होता है तो गीता रामायण पढ़ती थी, और आज माताएं क्या करती हैं, मोबाइल देखती हैं। तो उसका पता है क्या हुआ, उसका रिजल्ट, अभी एक बच्चा अपने क्लास में, अग्रवाल भाई साहब आते हैं, उनका पोता हुआ तो प्रीमेच्योर हुआ 7 महीने का। तो जब हमें बताया तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा नहीं, वहाँ हॉस्पिटल में सब प्रीमेच्योर हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि ये इसलिए प्रीमेच्योर बच्चे हो रहे हैं कि जो ये मोबाइल देख रहे हैं ना, उसका इफेक्ट है। अब फिर अब माताएं रोती कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, बच्चे कहना कैसे मानेंगे, बच्चों को वो पालना नहीं मिल रही, वो संस्कार नहीं मिल रहे। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में, इसकी जो भगनी संस्था है राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर जो मेडिकल विंग है उसमें डिवाइन मदर, यानी बच्चा जब गर्भ में ही होता है तब कैसे उसके अंदर संस्कार बनाए जाएं, वो शिक्षा दी जाती है। जो बच्चे संस्कारित हों, क्योंकि माँ का इसमें बड़ा योगदान। माताएं परेशान तो होती हैं कि बच्चा कहना नहीं मानता, ये नहीं होता वो, लेकिन उसमें कहीं न कहीं मेरी ही कमी है। और विशेष बात ये है कि माँ ला का तो ध्यान देती है, या लव या ला, या तो इतना प्यार करेगी कि बच्चा बिगड़ जाएगा, या फिर इतना डांट के बच्चा भय के कारण अपनी बात नहीं बता पाता है, फिर वो गलतियों पर गलतियां करता है। तो हमें दोनों का बैलेंस रखना है। आज देखो बच्चे अभी रिजल्ट आ रही है, डर के मारे सुसाइड कर लेते हैं, क्या क्या कर रहे। तो हमें इस बात का ज्ञान, तो इस विद्यालय में यही बात सिखाई जाती है कि कैसे हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, तब तो ये मातृ दिवस मनाना सफल होगा। सिर्फ एक दिवस मना लेना, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे देना, उससे नहीं होगा। हम सब, हमारे जो भी परिचित हैं, उसको जो अपने ज्ञान में चल भी रहे हैं, वो भी अपना ध्यान दें, वो एक दूसरे को इस बात से अवगत कराएं। क्योंकि यहाँ तो ये शिक्षा ही दी जाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संस्कार धारण करें, क्योंकि ईश्वर का दूसरा रूप माँ है। एक सी कहानी एक याद आती है। अब होती तो ऐसी बातें हैं कि एक छोटा बच्चा जो जन्म लेने वाला है वो परमात्मा से बात करता है, कहता है कि मेरी कोई भाषा नहीं समझेगा, हम जाएंगे, मेरे को कोई जानता नहीं है, मैं कैसे जाऊं। तो परमात्मा कहता है कि नहीं बच्चे, तुम जाओ, तुम्हारे लिए मैंने पहले से एक फरिश्ता भेज दिया है। वो कहता है किसी की भाषा नहीं समझूंगा, मुझे तो सिर्फ मुस्कुराना आता है। वो माँ सब कुछ सिखाए, वो फरिश्ता सब कुछ सिखाएगा। कौन है? माँ। माँ सब कुछ बच्चे को बोलना सिखाती, चलना सिखाती, पढ़ना सिखाती, सब कुछ। जो मातृभाषा सिखाने के लिए आज सरकार कितना पैसा खर्चा कर रही है, और माँ चुटकी में बच्चे को मातृभाषा सिखा देती है। तो माताओं की कितनी महिमा है, लेकिन माताएं अपने अंदर उस शक्ति को जागृत करें और अपने बच्चों को अच्छा बनाएं। कंप्लेन नहीं करें कि सुधर नहीं रहा, अच्छा नहीं, नहीं,
पहले से अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको प्रोत्साहित करें, तभी ये कार्य हो सकता है। निगेटिव हम क्यों सोचते हैं? निगेटिव सोचते हैं तो वैसे ही बच्चा बनता है। तो इसलिए इस मातृ दिवस पर फिर से आपको मुबारक हो, बधाई हो, अभिनंदन हो। ओम शांति।